खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सवेरा टीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के इलाका घोंकी में बुनियादी मरकज़ सेहत खुद बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गया। महकमा सेहत ने घोंकी हेल्थ सेंटर को बंद करके हज़ारों शहरियों को सेहत की सहूलियात से महरूम कर दिया। सियालकोट के बुनियादी रूरल हेल्थ सेंटर घोंकी की बिल्डिंग बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है, जो कि किसी भी वक्त गिरने का इम्कान है। 14 किनाल अराजी पर मुश्तमिल ये अस्पताल अपनी दास्तान खुद सुना रहा है। इलाके के लोगों ने अस्पताल में अपने जानवरों को बांधना शुरू कर दिया है। पिछले एक साल से महकमा सेहत पंजाब ने इस हेल्थ सेंटर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। 20,000 आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके में ये वाहिद सेहत का इदारा है, जिसको बंद करके हज़ारों लोगों को सेहत की सहूलियात से महरूम कर दिया गया। अहले इलाका ने महकमा सेहत के आला हुकाम वज़ीर सेहत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग तामीर करके इसे दोबारा फ़आल किया जाए, ताकि शहरी सेहत की बुनियादी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त पर वक्त। अभी सवेरा न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात यकीन के साथ।